स्थानीय प्राधिकार कोटे से खाली बिहार विधान परिषद की सीटों को लेकर चुनाव आयोग के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर 4 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 7 को नतीजे आएंगे। चुनाव को लेकर राजद, वाम दल और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर दी है। वहीं सीटों का बंटवारा होने के बाद एनडीए अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। इस बीच एनडीए से अलग होकर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली लोजपा एमएलसी चुनाव में अकेले उतरने का निर्णय ली है। इसी कड़ी में चिराग पासवान गुट वाली लोजपा ने फिलहाल 5 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। लोजपा नेता मयंक मौली ने जिन प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसमें गया जहानाबाद अरवल सीट से सत्येंद्र शर्मा, नालंदा से नरेश प्रसाद सिंह, रोहतास कैमूर से रविशंकर पासवान, दरभंगा से विपिन पाठक और सहरसा मधेपुरा सुपौल से गंगा सागर कुमार उर्फ छत्री यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। जानकारी हो कि गत चुनाव में सहरसा मधेपुरा और सुपौल सीट से नूतन सिंह चुनाव लड़ी थी और उनकी जीत हुई थी। इस बार वे भाजपा के साथ हैं और भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में सक्रिय हैं। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।